प्रतीत हो रहा है कि कोई हनुमान को भ्रमित करने की चेष्टा कर रहा है। कहीं ये भ्राता रावण का कोई गुप्तचर तो नहीं? परंतु ये कैसे ज्ञात हो कि जो दृश्य पूर्व में प्रस्तुत हुआ वो भ्रम था या ये जो अब दिखाई दे रहा है? मुझे सत्य जानने का प्रयत्न करना चाहिए। यदि यहाँ किसी सज्जन राम भक्त का निवास है तो वो मुझे माता सीता तक अवश्य पहुंचा देंगे। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, दशरथ नंदन राजा राम, असुर निकंदन सीता राम। राम राम जय राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, दशरथ नंदन राजा राम, असुर निकंदन सीता राम। राम राम जय राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, दशरथ नंदन राजा राम, असुर निकंदन सीता राम। इस लंका में इस समय मेरे सिवा और कौन प्रभु श्री राम के नाम का जाप कर सकता है? राम राम जय राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। अवश्य कुछ छल कर रहा है जिससे मेरी राम भक्ति प्रत्यक्ष रूप में सबके सामने आ जाए। जय जय श्री राम, जय यहां मेरे द्वार के पास क्या कर रहे हैं? और ये क्या नाम है जिसकी महिमा आप गा रहे हैं? ये वही नाम है जो भक्तों को प्राण वायु प्रदान करता है और पापियों को मृत्यु। ये वो नाम है जो इस जग का ही नहीं अपितु समूचे ब्रह्मांड का आधार है। संसार की रचना, सृष्टि का विस्तार सब इसी नाम से संभव है। यही नाम जीवन का स्रोत है और इसी नाम में जग का उद्धार निहित है और उस नाम से आप भी परिचित हैं। राम। इस नाम की यहां लंका में कोई मान्यता नहीं है। यदि जीवित रहना चाहते हैं तो जहां से आए हैं वहीं लौट जाइए। राम 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 राम। अवश्य ही ये कोई मायावी गुप्तचर है।
ये सब क्या है और आप मुझे इससे क्या जताना चाहते हैं? जैसे पुष्प कितना भी प्रयत्न करे परंतु उसकी सुगंध कभी नहीं छिपती, वैसे ही कोई भक्त अपनी भक्ति को कितने भी परतों से ढक ले उसे कभी नहीं छिपा सकता। प्रभु श्री राम की भक्ति न आप छिपा सकते हैं और ना ही मैं। जय श्री राम, जय श्री राम। यदि आप मुझे रावण का कोई गुप्तचर समझ रहे हैं तो आप निशंक हो जाएं, मैं वो नहीं हूं। मैं तो मात्र एक राम सेवक हूं। हनुमान हनुमान हनुमान। हे राम भक्त, कृपया आप भी इस राम सेवक को अपना शुभ परिचय देने की कृपा करें। लंका में राम नाम का उच्चारण करने वाले राम भक्त सुरक्षित नहीं। तो आपको विश्वास हो गया कि मैं भी प्रभु श्री राम का भक्त हूं? इतने विनीत स्वर में, इतनी मधुरता से प्रभु श्री राम नाम की महिमा का वर्णन करने वाला उनका कोई श्रेष्ठ भक्त ही हो सकता है। हे राम भक्त हनुमान, कृपया इस आसन पर विराजमान होइए। मुझे क्षमा करें, मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य के लिए यहां आया हूं। जब तक वो कार्य पूर्ण न हो जाए मैं ना तो भोजन कर सकता हूं और ना ही विश्राम। हे राम भक्त, कृपया अपना परिचय देकर मुझे कृतार्थ करें। मैं लंकेश रावण का अनुज भ्राता विभीषण। जो यहां रहते भी प्रभु की भक्ति में लीन रहता है। आप अवश्य विचार कर रहे होंगे कि राक्षस होते हुए भी मेरे हृदय में प्रभु श्री राम की भक्ति की ज्योति कैसे प्रज्वलित हो रही है। आप अचंभित ना हो राम भक्त बंधु, मैंने प्रभु ब्रह्मा जी से तपस्या कर भक्ति का वरदान ही मांगा। परम पितामह, मुझे भक्ति और श्रद्धा का ही वरदान दीजिए। तथा। और मुझे ज्ञात है कि प्रभु श्री नारायण प्रभु श्री राम के रूप में ही इस पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं, इसीलिए मैं उन्हीं का नाम जपता रहता हूं। परंतु इन कुटिल राक्षसों के बीच एक राम भक्त कैसे रह सकता है? उचित प्रश्न बंधु। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार दांतों के बीच में जिह्वा रहती है, वैसे ही मैं भी इन अधर्मियों के बीच में रहता हूं और प्रभु श्री राम के नाम का स्मरण करता हूं। हे भक्त श्रेष्ठ, अब आप मुझे अपने बारे में विस्तार से बताने की कृपा करें। मैं भक्त श्रेष्ठ नहीं, मात्र एक शूद्र भक्त हूं भगवान श्री राम का। उन्हीं का दूत हूं मैं और यहां माता सीता को ढूंढने आया हूं। प्रभु श्री राम के दूत? आप धन्य हैं
जो आपको प्रभु श्री राम के दूत बनने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। और मेरा दुर्भाग्य देखिए, इस राक्षस कुल में जन्म लेने के कारण मैं तो प्रभु के समीप जाने के सुख प्राप्त करने की कल्पना भी नहीं कर सकता। ऐसा ना कहें, प्रभु श्री राम अपने भक्तों में भेद नहीं करते, कुल परिवार उनके लिए निरर्थक है, व्यक्ति के गुण ही उनके लिए सर्वोपरि है। मुझे देखिए, एक वानर होते हुए भी उन्होंने मुझे अपने चरणों में स्थान दिया है, और उनका नाम लेकर मैं माता सीता को ढूंढने इतने विशाल सागर को पार कर यहां तक आ गया। विभीषण जी, प्रभु माता सीता की विरह वेदना से त्रस्त हैं, और माता सीता भी यहां अत्यंत पीड़ा में होंगी, इसलिए मेरा उनको ढूंढना अति आवश्यक है। विभीषण जी, प्रभु श्री राम की विरह वेदना का कारण मेरा ही अग्रज रावण। मैंने उन्हें समझाने का बहुत प्रयत्न किया, परंतु उन्होंने मेरी एक ना सुनी। मेरा दुर्भाग्य देखिए, प्रभु श्री राम का भक्त होने के पश्चात भी मैं उनके किसी कार्य नहीं आ सका। आप उदास मत होइए, मुझे विश्वास है आप जो कुछ भी करने में सक्षम थे आपने अवश्य किया होगा। परंतु दंभी रावण की कुबुद्धि ने उसे कुछ भी समझने में असमर्थ कर दिया है। आप निश्चिंत रहें, पाप और पापी दोनों का अंत अवश्य होता है। अब रावण का विनाश काल भी समीप आ गया है, उसे अवश्य प्रभु के हाथों उसके दुष्कर्मों का दंड मिलेगा। परंतु यदि आप राम काज में सहायक बनने के इच्छुक हैं, तो कृपा कर मुझे ये बता दीजिए कि माता सीता कहां स्थित हैं। अवश्य बताऊंगा, किंतु जहां तक मुझे ज्ञात है वो स्थान तो पूर्णता राक्षसे सुरक्षा के घेरे में। यदि आप वहां तक पहुंच भी गए तो वहां से लौट कर आना असंभव है। उसकी चिंता आप ना करें, श्री राम के नाम में इतनी शक्ति है कि उस नाम का उच्चारण ही सब संकट दूर कर देता है। आप मुझे मात्र इतना बता दें कि मुझे यहां से किस ओर और कहां जाना है। आप इस दिशा की ओर जाइए, कुछ दूरी पर सभी प्रकार के वृक्षों से परिपूर्ण एक वाटिका आएगी, वो अशोक वाटिका है, वहीं पर माता सीता उपस्थित है। भक्त विभीषण, मैं शीघ्र ही अपना प्रयोजन सिद्ध करने में सफल होकर प्रभु श्री राम के निकट लौटूं।
कुछ ही समय पश्चात वो क्षण आएगा जिसकी प्रतीक्षा हनुमान को थी। शीघ्र ही उसे माता सीता के दर्शन प्राप्त होंगे। फिर मैं उन्हें सभी घटनाओं का संपूर्ण विवरण दूंगा और विस्तार से प्रभु श्री राम की स्थिति भी बताऊंगा। माता सीता हनुमान को देखकर अवश्य प्रसन्न होंगी। हनुमान तो उसी दिशा में बढ़ रहा है जिस दिशा में विभीषण जी ने भेजा था, परंतु अभी तक कोई वाटिका दृष्टिगोचर क्यों नहीं हो रही? माता, आप कहां स्थित हैं? ये ज्ञात होने के पश्चात भी मैं आपको क्यों नहीं ढूंढ पा रहा हूं? माता, क्या मैं इस योग्य ही नहीं कि मैं आपको ढूंढ सकूं? क्या अपने नेत्रों से आपके दर्शन किए बिना, आपके अपने मुख से आपका समाचार पाए बिना हनुमान को निराश हृदय से प्रभु श्री राम के पास लौटना होगा? नहीं नहीं, यदि प्रभु श्री राम और भैया लक्ष्मण से जाकर हनुमान ने यह समाचार दिया कि वो लंका से असफल होकर लौट आया है, तो इस विषाद से ग्रस्त होकर प्रभु श्री राम अपने प्राण त्याग देंगे, फिर पूर्ण रूप से अपने अग्रज प्रभु श्री राम के प्रति समर्पित भैया लक्ष्मण भी कैसे जीवित रह पाएंगे? और उनकी प्रतीक्षा कर रहे उनके भ्राता भरत और शत्रुघ्न भी ये शोक समाचार सुनकर अपने प्राण छोड़ देंगे। मैं नहीं चाहता था कि मैं असफल होकर वापस लौटूं और सुग्रीव काका मुझे मृत्यु दंड दे दे। युवराज अंगद तो पूर्व में ही असफल होकर किष्किंधा नहीं लौटना चाहते थे, वो भी स्वतः अपने प्राणों का त्याग कर देंगे। अपना वचन पूर्ण न कर पाने से निराश होकर महाराज सुग्रीव भी अपने प्राणांत कर लेंगे, कोई भी शेष नहीं रहेगा और इस सर्वनाश का कारण होगी मेरी असफलता। नहीं, हनुमान ये कदापि नहीं होने देगा। मेरा सफल होना अनिवार्य है। राम काज में असफलता का कोई स्थान नहीं है। राम भक्त हनुमान असफल होकर नहीं लौट सकता। मुझे प्रत्येक कठिनाई पर विजय प्राप्त कर माता सीता को ढूंढना ही होगा। श्री राम नाम का स्मरण कर पुनः इस कार्य में लगना ही होगा और अपने जीवन के ध्येय को प्राप्त करना ही होगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।
एक वाटिका जिसके चारों ओर अभेद सुरक्षा है। मुझे विश्वास है कि ये अवश्य अशोक वाटिका ही होगी जिसका वर्णन राम भक्त विभीषण ने किया था। जय श्री राम। ऐसी अद्भुत वाटिका है जहां चारों ओर भांति भांति के वृक्ष जो फलों से परिपूर्ण हैं, अनेक प्रकार के सुंदर और सुगंधित पुष्प हैं। ऐसा अनुपम सौंदर्य तो कल्पना से भी परे है, परंतु हनुमान तो यहां पर माता सीता को ढूंढने आया है। उस ओर देखता हूं। उनका पता लगाऊंगा। मैं उनको प्रभु श्री राम का संदेश दूंगा। मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, परंतु इस मैं के विचार में हनुमान तो ये भूल ही गया कि माता की इच्छा के बिना उनके दर्शन प्राप्त करना असंभव है। भक्ति में दंभ और अभिमान का कोई भी स्थान नहीं है। हनुमान, मुझे माता सीता का ध्यान कर भक्ति भाव से उनके शुभ दर्शन प्राप्त करने की प्रार्थना करनी चाहिए। हे माता सीता, इस श्री राम सेवक प्रभु के इस तुच्छ दूत को दर्शन देने की कृपा करें ताकि ये सेवक अपने प्रभु के काम आ सके। मुझे कोई संकेत देकर अपने समीप बुलाइए माता। हनुमान को अपने शुभ दर्शन दीजिए माता। हुआ माता, आपके अलौकिक दर्शन प्राप्त कर मेरा रोम रोम पुलकित हो गया है। माता, आपके समान शीलवान और दिव्य आभा से मंडित और कौन हो सकता है। माता, आपके दर्शन से मेरा व्याकुल हृदय शांत हो गया है। माता, निराशा उल्लास में परिवर्तित हो गई है। आपके दर्शन के लिए आतुर इस तुच्छ राम भक्त को दर्शन देकर आपने मुझे कृतार्थ कर दिया है। माता, मेरा जन्म सफल हुआ, आपको मेरा शत शत प्रणाम।
दिव्य प्रकाश पुंज कपि देखी, तरु की ओट बैठी बैदेही, हनुमत डाल बसे एक छोरा, मात को देखे भाव विभोरा। आनन छटा नयनाभिरामा, मन ही मन बज रंग प्रणामा, पवन तनय भये धन्य विलोचन, खोज ली जान की संकट मोचन। माता इस स्थिति में? मां 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 धर्मशील मिथिला नरेश जनक की पुत्री, पुण्यात्मा महाराज दशरथ की पुत्र वधु और मेरे आराध्य प्रभु श्री राम की अर्धांगिनी, दुख की छाया भी सदैव जिनसे दूर रही होगी, आज उन्हें विरह की अग्नि में तपते हुए देखने को विवश है मेरे नेत्र। नियति की कैसी क्रूर क्रीड़ा है ये, उधर जल बिन मछली के भांति प्रभु श्री राम तड़प रहे हैं और इधर माता सीता प्राण बिन देह की भांति कांतिहीन हो गई है। मुझे इसी क्षण माता सीता को ये बताना होगा कि उनके स्वामी प्रभु श्री राम ने हनुमान को उनके लिए संदेश देकर यहां भेजा है। ये क्या था? यहाँ कोई आसपास है क्या? इन राक्षसियों के समक्ष माता के समक्ष जाना उचित नहीं है। मुझे माता के एकाकी होने की प्रतीक्षा करनी होगी। ये कौन आ रही है माता सीता के निकट? कहीं ये माता को प्रताड़ित ना करें। देवी सीता, मैं अनिला हूं, दशानन लंकेश की भ्राता विभीषण की पुत्री। नाम मेरी माता को ज्ञात हुआ कि आपने भोजन आदि का त्याग किया हुआ है, अतः उन्होंने आपके लिए ये शुद्ध एवं स्वच्छ फल आदि भिजवाए हैं।
कृपया करके इन्हें ग्रहण कीजिए। विभीषण जी की पुत्री अनिला कदाचित अपने पिताश्री की ही प्रतिछाया है। नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना। ऐसा ना कहिए देवी, कुछ तो ग्रहण कीजिए। ऐसे आप कब तक उपवास करती रहेंगी? जब 10 माह से कुछ ग्रहण नहीं किया तो अब क्यों ग्रहण करूं? उनकी सहृदयता के लिए उन्हें धन्यवाद कहना। इतनी पीड़ा, एक ओर विरह का दुख, दूसरी ओर क्षुधा। 10 माह से भोजन का त्याग सत्य है, नारी की सहनशीलता की कोई सीमा नहीं। माता, आपकी इस तपस्या को नमन है मेरा। मुझे मात्र मेरे स्वामी की प्रतीक्षा है। भले ही मेरे प्राण मेरी काया क्यों न छोड़े, किंतु तब तक एक रास भी नहीं ग्रहण करूंगी जब तक मेरे स्वामी यहां आकर उस दुष्ट रावण को उसकी कन्नी का दंड नहीं दे देते। सीता, लंकेश का नाम आदर से ले, समझी? देवी सीता, साक्षी लंकेश के विरुद्ध कुछ भी कहना आपके लिए हितकर नहीं होगा। लंकेश कभी भी किसी भी क्षण यहां आ सकते हैं। ये कैसी ध्वनियां हैं? प्रसन्नता से अपने भाग्य को स्वीकार कर ले सीता। सुखी रहोगी सुखी, राज करोगी राज। तुम्हारे भाग्य का निर्णय करने आ रहे हैं स्वयं दशानन महाराज रावण। वो देखो, लौह पर स्वर्ण की परत चढ़ा देने से लौह स्वर्ण नहीं हो जाता। तुम्हारी ये भव्यता तुम्हारी दुष्टता को नहीं छिपा सकती राक्षस राज रावण। एक पतिव्रता नारी के समक्ष वैभव का प्रदर्शन, ये प्रलोभन माता सीता को नहीं डिगा पाएगा मूर्ख रावण। हमसे मुंह मोड़ लिया क्यों? यदि रावण ने माता सीता को तनिक भी क्षति पहुंचाने का प्रयास किया तो क्यों भयभीत हो रही है मिथिला की राजकुमारी? हम तो केवल आपको रानी बनाना चाहते हैं। इसमें हमने क्या अपराध किया? हाँ, अपराध तो हुआ है, किंतु वो अपराध आपके इस मोह लेने वाले रूप से हुआ है। अपराध आपके इन
खंजन नैनों से हुआ है। कटकामिनी गजगामिनी अपराध हुआ है तो आपके शीतलता प्रधान चंद्रवदन से हुआ है। जिसके मोह पाश में बंधा हुआ मैं महाबली महाऐश्वर्य शाली लंकेश बता खींचा चलाता हूं। अपनी मृत्यु की ओर खींचे चले आ रहे हो तुम रावण। देखो सुंदरी, मैं किस किस को लाया हूँ यहाँ, केवल आपकी आपकी सेवा करने के लिए। देव कन्याएं, यक्ष गंधर्व कन्याएं, ये सब मेरी भांति आपकी दास बनने को व्याकुल हो रही हैं। यहाँ तक कि पटरानी मंदोदरी भी। यदि आप चाहें तो हम इन सब का त्याग भी कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो बस एक बार आकर प्रेम भरी दृष्टि से एक बार तो देख लो किस प्रतापी वेदों का क्या था महाबली रावण का प्रस्ताव विगत 10 माह से निरंतर ठुकराती जा रहे हैं आप। और मैं बेचारा बावला दिन रात मात्र आप ही के विषय के बारे में सोच रहा हूं। मेरे असीम प्रेम का इतना अनादर ना करो जनक नंदिनी। दुष्ट रावण, तुम्हारा सौभाग्य है जो मुझे प्रभु श्री राम ने अनुमति नहीं दी, अन्यथा मैं इसी क्षण तुम्हारे इस पापी मुख से तुम्हारी जिह्वा निकाल लेता। हमारी जिह्वा हर क्षण आपका ही नाम जपती रहती है। हमारे हृदय में झांक कर देखिए, इसके हर स्पंदन में एकमात्र आप ही बसी हैं। ज्ञात रहे अशोक वाटिका हमें सबसे अधिक प्रिय है, किंतु फिर भी आपकी कोमल सुंदरता के योग्य नहीं। आपकी सुंदरता तो राजसी सुख एवं वैभव प्राप्ति के योग्य है। हर क्षण का आनंद उठाइए। स्मरण रहे मिथिला की राजकुमारी, बीता हुआ समय और जाता हुआ यौवन लौट के वापस नहीं आता। कोई ज्ञानी इतना पतित कैसे हो सकता है? शिष्टता की सारी सीमाएं लांघ रहा है ये दुष्ट। अरे कैसी दयनीय स्थिति बना ली है आपने अपनी। क्षीण हुआ श्रृंगार, आभूषण विहीन देह, मैले हुए वस्त्र, पत्थर की शैया, अनवरत उपवास, क्या मिला आपको ये सब त्याग करके? मैं आपको
ये सब ऐश्वर्य प्राप्त करा सकता हूँ, सारे वैभव प्रदान करा सकता हूँ, जो कुबेर के स्वर्ण कोश में भी नहीं होंगे। वो वस्त्र दिला सकता हूँ जो इंद्र स्वर्ग में अपनी पति शचि को भी ना दे सके। समस्त सुख संसार के मैं आपके चरणों में डाल दूंगा। विचार करिए, वो वनवासी जिसके लिए आप सब त्याग करके यहाँ बैठी हो, उसने भला आपको दिया ही क्या है? हाँ, वर्षों का वनवास और ये लंबी प्रतीक्षा। बहुत हो गया रावण, यदि कुछ और कहा माता सीता या मेरे प्रभु श्री राम के बारे में तो तुम्हारे लिए उचित नहीं होगा। भूल जाओ उस असभ्य नर को, त्याग दो अपना हठ और मुक्त हो जाओ अपने दुखों से। मेरा प्रणय निवेदन स्वीकार कर लो प्रिय, और निकाल कर फेंक दो अपने हृदय से उस धारण नर को। सीते, 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 शीघ्र ही ज्ञात करो वो जानकी कहाँ है जिसके बिना मैं अधूरा। और हनुमान, लंका में रावण की शक्ति और सेना का भेद पता कर मुझे बता। श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम। एक कृतांगी और नर नहीं, लंकेश दशानन रावण है तुम्हारे योग्य, जिसने मानव ही नहीं यक्ष, गंधर्व, नवग्रह सब पर विजय पाई है। और तुम उस भिक्षुक वनवासी की प्रतीक्षा कर रही हो जो मेरे समक्ष तृण मात्र से भी अधिक नहीं है। तुम इतने ही पराक्रमी तो मेरे स्वामी के समक्ष मेरा हरण करते, क्यों चोर होकर लिप्त होना पड़ा तुम्हें? पहले तो मेरे स्वामी को छल से दूर किया मुझसे, फिर भ्राता लक्ष्मण को छल से दूर भेजकर उनकी अनुपस्थिति में हरण किया मेरा। प्रतापी ने कायर हो तुम रावण, कायर दुर्बल प्यार, तो मेरे स्वामी पुरुष सिंह श्री राम और साक्षात नरबाग भ्राता लक्ष्मण का सामना कदापि नहीं कर सकता। कायर की नहीं, मूर्ख भी हो तुम रावण, तो मुझे स्वर्ण माणिक और ऐश्वर्य आदि का प्रलोभन दे रहे हो। रावण अपना चित मुझसे हटाकर अपनी पत्नियों पर केंद्रित कर
क्योंकि एक पर स्त्री पर कुदृष्टि रखने वाला तुम जैसा कुत्सित और निकृष्ट व्यक्ति सबकी घृणा का पात्र तो बनता ही, स्वयं के पतन का कारण भी बनता है। क्या इस बात की शिक्षा तुम्हें किसी ने नहीं दी? स्वयं को वेदों का ज्ञाता कहते हो तो क्या मास्टर कंठस्थ किया तुमने वेदों को? उनका मर्म नहीं जाना? क्या तुम्हारे गुरु और तुम्हारे माता पिता ने यह नहीं सिखाया कि एक पराई स्त्री पर कुदृष्टि डालना महापाप है? रावण, एक पर स्त्री पर कुदृष्टि डालकर तुमने जो अधर्म की अग्नि प्रज्वलित की है, वो तुम्हारी इस वन नगरी लंका को जलाकर मोम की भांति पिघला दी। बंद कर अपना ये प्रवचन। कोई अधर्म नहीं किया है हमने, ये राक्षस संस्कृति है। छल से या बल से किसी की भी पत्नी का हरण कर सकते हैं हम राक्षस। यद्यपि बल का प्रयोग करके हम चाहते तो तुम्हें विवश भी कर सकते थे, किंतु लंका में लाने के पश्चात हमने तुम्हें स्पर्श भी नहीं किया। क्यों? क्योंकि हम चाहते थे कि तुम स्वयं अपने मन से हमें स्वीकार करो। अब मेरा धैर्य समाप्त होता जा रहा है और तुम्हारा समय। हाँ, समय समाप्त होता जा रहा है तुम्हारा। क्योंकि यदि मेरे स्वामी यहाँ आ गए तो समझो तुम्हारा विनाश आ गया। इसलिए अभी जो समय तुम्हारे पास बचा हुआ है रावण, सदुपयोग कर शुद्ध हृदय होकर मुझे मेरे स्वामी को लौटा दे। उनके चरणों में गिरकर क्षमा मांग। क्षमा? हम मांगेंगे क्षमा एक साधारण मानव से। क्षमा हमारे शब्दकोश में ही नहीं है, क्योंकि रावण है हम। तो तुम यूं समझ लो रावण, मेरे हरण का दंड तुम्हारा मरण, तुम्हारा मरण, तुम्हारा मरण। जिन्हें तुम साधारण मानव समझ रहे हो, उनके धनुष की टंकार मात्र से ही तुम्हारी ये लंका थरथरा उठेगी। उनके कंक पत्र वाले तीर चीर दे तुम्हारी और तुम्हारे राक्षसों की छाती। मान लीजिए स्वामी, देवी सीता की बात, आप क्यों अपने विनाश को आमंत्रण दे रहे हैं? विनाश तो अब तुम्हारा होकर ही रहेगा दुष्ट रावण। कहते हैं पुरुष स्त्री से जितना उन्होंने विनय करता है वो उसका उतना ही अधिक प्रिय हो जाता है, किंतु मैं तुम्हारे साथ जितने मीठे वचन बोलता हूँ तुम मेरा उतना ही तिरस्कार करती हो। तुम मेरी दया के योग्य नहीं हो। आज अभी मैं तुम्हें बलपूर्वक अपना बनाऊंगा। अन्यथा तुम्हारा अंत करके।
सदा के लिए तुम्हारी तृष्णा से मुक्त हो जाऊंगा। रावण, यदि अब सीता माता को स्पर्श भी किया तो इसी क्षण तुम्हारा अंत कर देगा हनुमान। मृत्यु को आमंत्रण देना चाहते हैं? क्या आपको स्मरण नहीं है वो शाप जो नर कुबेर की गुहार के कारण ब्रह्मदेव ने आपको दिया था, जब आपने रंभा की इच्छा के विरुद्ध उन पर बल प्रयोग किया था? मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि आज के पश्चात यदि तुमने किसी भी स्त्री की इच्छा के विरुद्ध उस पर बल प्रयोग किया या उसका प्रयास भी किया, तुम्हारा शीश 7 भागों में खंडित हो जाएगा। तुम्हारी ये वासना ही एक दिन तुम्हारे विनाश का कारण बनेगी। मैंने बल प्रयोग किया और मेरे 100 टुकड़े, नहीं नहीं, श्राप सब तभी हो सकता है। एक नारी का वध आप जैसे महाबली को बिल्कुल शोभा नहीं देता। यदि देवी सीता अपनी इच्छा से आपको स्वीकार नहीं करना चाहती तो आप इन्हें पूर्ण सम्मान के साथ इनके पति के पास वापस भेज दें। इनके यहाँ रहने का अर्थ होगा एक बहुत बड़ी विपदा को आमंत्रण दें। विपदा आएगी किंतु मुझ पर नहीं, इस पर। सीता, तुम्हें जो अवधि मैंने दी थी उसमें 2 माह और मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। तत्पश्चात भी यदि तुम मेरी शैया में नहीं आए, मेरे कलेवा के लिए तुम्हारे टुकड़े कर देंगे। अनुचरों, दाम दाम दंड भेद कोई भी नीति अपनाओ, किंतु इस मिथिला के राजकुमारी को इतना विवश कर दो कि ये स्वयं नियमें अपनाने के लिए तत्पर हो जाए। दुष्ट मराना रहे, इस कार्य में असफलता का अर्थ है, इसके साथ ही तुम सबकी मृत्यु भी। जी लंकेश। शांत रह लिया मैं। यदि अब इन राक्षसियों ने सीता माता को कष्ट दिया तो इनका यही अंत कर दूंगा मैं।
ये राक्षसियां कुछ भी कर ले, किंतु हनुमान के रहते माता सीता को कोई क्षति नहीं पहुंचा सकती। भयभीत करना चाहते हैं ये माता सीता को। मैथिली, लंकेश का अपमान करके तूने अच्छा नहीं किया, इसका दंड तो तुझे निश्चित ही मिलेगा। लंकेश हमारे भगवान है, हम उनका अपमान सहन नहीं करेंगे। तुम्हारी भलाई इसी में है कि भूल जाओ उस भिक्षुक पति को, स्वीकार कर लो महाराज रावण को, अन्यथा हम लोग खा जाएंगे तुम्हें। भोजन बनाओगी राक्षसियों? जिस क्षण तुमने माता सीता को स्पर्श किया वही क्षण तुम लोगों के जीवन का अंतिम क्षण होगा। ये तुम्हारे जीवन का अंतिम क्षण है, स्वीकार कर लो हमारे भगवान लंकेश को। अनुचित है ये सब, किंतु मैं महाराज के आदेश के विरुद्ध कुछ कर भी तो नहीं सकती। हनुमान की सहन शक्ति की सीमाएं लांग रही हैं ये राक्षसियां। अरे मूर्ख, जिस नर की तुम प्रतीक्षा कर रही हो वो तो तुम्हें कब का बुला चुका, नहीं तो आ नहीं गया होता अब तक। स्वीकार कर लो लंकेश को, भूल जाओ इस वनवासी को, अन्यथा हम सभी तुम्हें खा जाएंगे। प्रभु श्री राम की आज्ञा का पालन करना है, इसलिए अभी इनके बीच जाना उचित नहीं होगा। किंतु माता सीता को प्रताड़ित होते हुए भी नहीं देख सकता, कुछ तो करना होगा। भूल जाओ इस वनवासी को, सीता हमें चाहिए, आ जाएगी। हाँ, स्वीकार कर लंकेश को, भूल जाओ इस वनवासी को। कुछ तो करना होगा। क्या हुआ, किसने किया ये? अवश्य कोई है वहां पर, जो कोई भी है वहां पर बच के नहीं जा पाएगा। चलो जय श्री राम। आपकी कृपा से हनुमान की युक्ति सफल रही प्रभु। त्रिजटा, ये क्या हुआ, तुम इतना भयभीत क्यों हो? त्रिजटा बताओ, किसने किया ये सब? बोलो त्रिजटा, ये सुदृढ़ मूर्ति किसने ध्वस्त की है? ध्वस्त हो जाएगा सब कुछ, ध्वस्त हो जाएगी लंका मूर्ति की ही भांति, विनाश हो जाएगा सारे राक्षस कुल का। क्या नरकर प्रलाप किए जा रही हो त्रिजटा? क्या हुआ, कैसे हुआ ये? मूर्ति के ध्वस्त होने के बारे में तो मुझे कुछ ज्ञात नहीं है, किंतु अभी अभी मैंने एक स्वप्न देखा है, बहुत भयानक स्वप्न। लंका का विध्वस्त, समस्त लंका वासियों का विनाश देखा है मैंने। स्वप्न? स्वप्न तो मात्र स्वप्न है, परंतु उसके लिए मूर्ति कैसे ध्वस्त हुई है बोलो। मेरी मानो तो ये विनाश का आरंभ है। लंकेश सीता के रूप में सारी लंका के लिए विनाश एवं स्वयं के लिए मृत्यु लेकर आए हैं यहाँ। यही भय तो मुझे भी सता रहा है। देवी सीता पतिव्रता स्त्री है, हर एक पतिव्रता स्त्री साक्षात शक्ति का रूप होती है। म
माता को इस असीम दुख से मुक्त कराने के लिए हनुमान को इसी समय जाकर उन्हें अपने और प्रभु श्री राम के बारे में बताना होगा। नहीं, किंतु कहीं ऐसा ना हो जाए कि मुझे इस वानर रूप में देखकर माता और अधिक भयभीत हो जाएं, या कहीं माता मुझे रावण का गुप्तचर ना समझ लें। मूर्खो तुम सब, एक स्वप्न मात्र से भयभीत हो गई। किंतु त्रिजटा का देखा हुआ सपने सदैव सत्य होता है, और प्रातःकाल का समय, प्रातःकाल के स्वप्न भविष्य में सदैव सत्य होते हैं। ये बताओ कि तुमने देखा क्या स्वप्न में? मैंने देखा वो वनवासी राम अपने अनुज लक्ष्मण के साथ गजराज पर आरूढ़ होकर आए और सीता को लेके लंकेश के पुष्पक विमान में उत्तर दिशा की ओर ले गए, और देखा घने रक्तिम मेघों में एक रथ जिसमें गर्धक जुते हुए थे, जो काले वस्त्र और लाल पुष्पहार पहने हुए मृत्यु की देवी का रथ है, और शीश मुड़ाए हुए लंकेश उस पर आरूढ़ हैं, जिन्हें मृत्यु की देवी दक्षिण दिशा की ओर खींच कर लिए जा रही है, और लंकेश के पीछे महाराज कुंभकर्ण, मेघनाथ और अक्ष कुमार बंधे हुए खींचे चले जा रहे हैं। पीछे छूट गई है ध्वस्त लंका, खंडहर बनी हुई, जहां चारों ओर अग्नि ही अग्नि दिखाई दे रही है। हमारी सोने की चमकती हुई लंका जलकर काली हो गई है। ऐसा भयानक दृश्य था कि किसी की भी आत्मा कांप उठे। मेरा अंतर्मन स्पष्ट संकेत दे रहा है मुझे, देवी सीता का आना साक्षात मृत्यु की देवी का आगमन है। श्री राम की विजय और लंकेश रावण का विनाश निकट ही दिखाई दे रहा है मुझे। और हाँ, मैंने उसे भी देखा जो श्री राम का मुख्य सहायक है, राम का दूत है वो, एक महाबली वानर। वही हमारी स्वर्ण नगरी लंका को घास फूस की भांति अग्नि की ज्वाला में भस्म कर देगा। शत्रु कितना भी भयभीत करे, पर आत्मविश्वास के साथ पूरी दृढ़ता से उसका सामना करना चाहिए।